संभल से शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं। एक हैवान ने अपने 10 साल के साले को गोली मार दी। यही नहीं, मासूम को इलाज को एम्बुलेंस भी नहीं मिली। पेट में गोली से गंभीर घायल 10 साल के मासूम को इलाज के लिए बाइक पर अस्पताल ले जाया गया। इंसानियत को शर्मसार करने वाला पूरा मामला गुन्नौर थाने के गांव तोतापुर का है, जहां घर में घुसकर एक हैवान बहनोई ने अपने 10 साल के साले को गोली मार दी। गोली बालक के पेट में लगी है। गंभीर घायल बच्चे को एम्बुलेंस भी नहीं मिली। परिजन बाइक से बच्चे का इलाज गुन्नौर अस्पताल कर लेकर गए। गंभीर घायल मासूम को अलीगढ़ रेफर किया गया है। इधर सीओ अशोक कुमार सिंह ने बताया है, विवाद पैसे के लेन देन का है। आरोपी विदेश ससुर को मारने आया था, बच्चा बीच में आ गया, उसे गोली लग गई। मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? हरिंदर। नेमचंद। नेमचंद, कैसे ये गोली लगी? गोली हमारे घर पर आके हम लड़की खिला रहा है, मेरी बहन जी। हाँ हाँ। तुम्हारे बहनोई और बहनोई का भाई दो जने आए। ये कहाँ गया तुम्हारे बहनोई? समस्तपुर। कौन से थाने पड़ता है? जरीफनगर। क्या नाम है तुम्हारे बहनोई का? वीरेश। और कोई साथ में था उनके? तो ये गोली घर में घुस के मारी थी। हाँ। अब तुम कहाँ हो इस समय? सर, गुन्नौर के गाँव में भगवती में आज एक बच्चे को गोली मारी गई, ये क्या मामला? आज सुबह करीब 8:30 बजे हम लोग को सूचना मिली कि ग्राम तोतापुर थाना अंतर्गत गुन्नौर में एक शिव नारायण नाम का आदमी है, जो उसकी लड़की की शादी 8 साल पहले हुई थी। लड़की का नाम कमलेश कुमारी है। वो लड़की भी बीमारी से 15 दिन पहले मर गई थी। तो आपस में लोगों ने समझौता करके लड़के वालों को 5 लाख रुपया देने की बात तय हुई थी। 4 लाख रुपया उसी गांव के प्रधान के यहाँ जमा था। शिवनारायण का कहना था कि जब लिखा पढ़ी हो जाएगी तो उसमें हम पैसा तुमको दे देंगे। इस पर उसका दामाद नहीं माना, आज सुबह आया है और शिवनारायण को मारने के लिए आया था, लेकिन जब उसे तमंचा चलाया तो उसका बेटा सर्वेश कुमार बीच में आ गया, उसकी कमर के बाएँ हिस्से में गोली लगी है जो पार कर गई। शिवनारायण समुद्र अपने ससुर को मारने आया था? अपने ससुर को मारने आया था और उसका कहना था कि पैसा मुझे सीधे दिया जाए, किसी के माध्यम से नहीं। शिवनारायण कह रहा था कि लिखा पढ़ी होने के बाद ही हम आपको पैसा देंगे। पैसा जमा हुआ था उसका गांव में, प्रधान क्या रखा था। जब बच्चे को गोली लगी है तो तुरंत लोग यहाँ से CHC गुन्नौर लाया है। सूचना के आधार पर तत्काल इंस्पेक्टर गुन्नौर और मैं हॉस्पिटल हम लोग पहुँचे। डॉक्टर से बात करके उसका ये हुआ, तुरंत फौरी इलाज करके आप उसको अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजिए, वहाँ से तुरंत रेफर कर दिया।